दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि भी आज हम हमारे शॉप में वाटर कूलर आया है दोस्तों, और इस वाटर कूलर को हम अब रिपेयर करने जा रहे हैं। और इस वाटर कूलर में जो कंप्रेसर लगा है, और मैं आपको सामने से दिखाने जा रहा हूँ, वो कंप्रेसर है KCN 463 HAG। दोस्तों, ये 134 का कंप्रेसर है, और इस कंप्रेसर में अब हम निकाल चुके हैं। और निकालने के बाद इसमें हम इसका ऑयल को भी चेंज किए हैं, और ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ऑयल चेंज करने से इसकी सारी मॉइस्चर है जो दोस्तों की, जैसे हमने इसका ऑयल को चेंज किया है। और ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसका ऑयल का कलर देखिए बहुत गंदा है, इसमें काफ़ी रस्ट है और काफ़ी मात्रा में इसमें मॉइस्चर प्रवेश कर गई है। तो दोस्तों, ऑयल चेंज करना कंपलसरी है। और इसमें हम एक नाप से, चाड़ी से अपना नाप लिए हैं, और इसमें हम 200-220 ml तक हम इसमें ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास ये जब बनने को आया, तो दोस्तों इससे पहले किसी टेक्नीशियन ने इसको चेक कर चुका था, और चेक किया था, तो हमको सबसे पहले वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि हमारा कंप्रेसर ठीक है कि नहीं। और हमको वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर उसका बैक प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसका बैक प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब बैक प्रेशर ओके हो जाएगा, फिर उसके बाद हमको दूसरा, जब हमारा कंप्रेसर जब एकदम ओके है, उसके बाद फिर हम इसको डायनाइट्रोजन गैस से पूरा एपरेटर कॉइल को और कंडेंसर कॉइल को अच्छे से साफ़ करेंगे दोस्तों। ये साफ़ करना ज़रूरी है। कैपिलरी ट्यूब है जो 0.50 का 50 का जो कैपिलरी ट्यूब है, वो 5 फीट लगता है इसमें, और वो 5 फीट अपन इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कैपिलरी का बोर काफ़ी हैवी रहता है। और ठीक है, उसको हमने चेक कर लिया। जिस प्रकार से आपको मैं दिखा रहा हूँ, कंडेंसर कॉइल जो फैन मोटर लगा है, उसके अंदर काफ़ी रस्ट है। तो जैसे कि रस्ट को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से कंडेंस होता है, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट वहाँ से जब सर्कुलेशन होता है, कंडेंस होता है, और वहीं से गर्म हवा को एग्जॉस्ट करता है। इसलिए दोस्तों उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छे से साफ़ भी करेंगे, और इसको साफ़ करने के बाद अब हमारी जो प्रक्रिया है फ्लैशिंग की, और फ्लैशिंग हमने कर चुका है, और इसको हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने हर वीडियो में नाइट्रोजन से जो फ्लैशिंग करते हैं प्रक्रिया आपको बताया है। तो दोस्तों, इसमें अब हम कैसे काम करेंगे, अब इसके बारे में बताएंगे। और हम इसमें बैक प्रेशर के थ्रू हम गैस चार्ज करेंगे। तो अभी हमारा ये अब चार्जिंग का समय आ गया है गैस चार्ज करने का। अब जैसे कि कंप्रेसर का सब पाइप है, जो पाइप को अपन खोले, वो पाइप को अपन लगाने के बाद उसमें हम ऑयल को चार्ज करेंगे। ऑयल चार्ज करने के बाद, और उसके बाद फिर वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद फिर हम इसमें लास्ट प्रक्रिया जो होती है हमारी टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग के लिए भी अपन डायनाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे। और उसमें हमारा दो फायदा होता है, एक फ़ायदा हमारा लीकेज का पता चलता है, और दूसरा हमारा जो समस्या रहता है थोड़ा बहुत, जो मॉइस्चर होता है जो सिस्टम में, वो नाइट्रोजन के द्वारा बाहर हो जाता है। तो अब हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी अब हम सबको ब्रेजिंग कर रहे हैं दोस्तों। ब्रेजिंग करने में के समय सावधानी भी बहुत बरतना है, और ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा खासा हमको हानि उठाना पड़ता है। इसलिए बड़े सावधानी से काम करिए, और जब ये पूरा हो जाएगा, लास्ट में इसका प्रोसेस है, अभी हम इसको अच्छे से सफाई करेंगे, अच्छे से जब ब्रेजिंग हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद फिर इसमें गैस कैसे चार्ज करना है मैनिफोल्ड गेज के द्वारा, मैं बैक प्रेशर के थ्रू आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आगे का वीडियो बताऊंगा। और दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को, अब हमारा लास्ट चरण है, जो लास्ट है वो वैक्यूम हो रहा है, और वैक्यूम के दौरान ही हम थोड़ा सा कंडेंसर कॉइल में जो डस्टिंग दिख रहा है, उस डस्टिंग को साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करना ज़रूरी है दोस्तों, उसको बहुत ज़रूरी है। उसमें ब्लोअर भी अभी मार देंगे, और अब अभी हमारा वैक्यूम हो रहा है वैक्यूम पंप से। अच्छा, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करिए, और जैसे कि वैक्यूम अच्छे से हो जाता है, उसके बाद फिर हम आपको गैस इसमें फिलिंग करना सिखाएंगे। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, सिल्का जेल ड्रायर का इस्तेमाल करिए, अच्छा ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। हमने अच्छा ड्रायर लगाए, और जो कैपिलरी का जो राउंड है वहाँ पर हम अभी वहाँ पर अभी हम केबल टाइट से अपन अच्छे से बांध देंगे, ताकि वो वाइब्रेशन ना फैले ना,
कई बार लीकेज प्रॉब्लम दोस्तों वहीं से भी होता है, आपस में कहीं भी पूरा एकदम देख लीजिए कहीं से कोई पाइप आपस में कैबिनेट में कहीं टच तो नहीं हो रहा है, ताकि वो चलने के बाद पता चलता है, उसको ध्यान देंगे। उसको ध्यान देने के बाद जहाँ से वाइब्रेशन से अगर कोई भी पाइप आपस में कैपिलरी टकरा रहा है तो उसको अच्छे से ठीक कर ले, ताकि वो लीकेज प्रॉब्लम वहाँ से ना हो। ऐसे कई केस हमारे पास आए हैं और आप लोग के पास भी आता होगा दोस्तों। और दोस्तों वैक्यूम होने के बाद ही गैस चार्ज करने की प्रक्रिया अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब हमारा वैक्यूम हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा देर के होल्ड करके रखते हैं और उस बीच में हम पूरी तैयारी कर लेते हैं गैस डालने के लिए। और ये देखिए अभी होल्ड में रखा हूँ मैं और थोड़ा देर के बाद अभी हम अब इसमें गैस डाल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें गैस डालने के लिए कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां भी मैं बताऊंगा दोस्तों। अब हम गैस चार्ज करना जा रहे हैं और गैस चार्ज करने के लिए हमने निकाल लिया है। अब हम इसका वैक्यूम को तोड़ रहे हैं और गैस चार्ज करने के लिए कैन को खड़ा ही रख के चार्ज करिएगा, क्योंकि जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि कैसे चार्ज करना है। अब जब तक इसका वैक्यूम ना टूटे तब तक दोस्तों आप लोग कंप्रेसर को चालू नहीं करेंगे। अब अभी गैस इसमें जा रहा है, अब थोड़ा देर के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब हमारा कंप्रेसर को स्विच को ऑन करने जा रहे हैं। अब कंप्रेसर ऑन कर दीजिए। अब कंप्रेसर ऑन हो गया, अब देखिए हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और अब गैस पूरी मात्रा में जब तक नहीं जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा गैस फिलिंग हो रहा है। बैक प्रेशर के थ्रू अपन गैस को डाल रहे हैं, 35-36 डिग्री चल रहा है दोस्तों, क्योंकि तापमान के हिसाब से बैक प्रेशर बताता है। और अभी देखिए बहुत अच्छे से रन हो रहा है और इसमें गैस अभी जा रहा है दोस्तों। इसका रिटर्न भी बहुत अच्छे से आ गया है और आपको जैसे लग रहा होगा ये आइस आ गया है, तो आइस क्यों आया है? आइस इसलिए आया है क्योंकि अभी खाली है। जब इसमें पानी रहेगा तो ये रिटर्न इतना नहीं आएगा, ठंडकता रहेगा, इसमें आइसिंग नहीं आएगा दोस्तों, फुल लोड में नहीं आएगा, अभी लोड नहीं है, खाली चल रहा है। और इस प्रकार से ये वाटर कूलर बनाया जाता है दोस्तों और आराम से इसमें गैस डाला जाता है। इसमें गैस जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, करीबन 18 PSI के आसपास दिखा रहा है दोस्तों। और 18 PSI में ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद कपलर को हटा देंगे और अंदर का पोजीशन में भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अंदर का देखिए इस प्रकार से ज़बरदस्त आइसिंग चारों साइड से आया है, देखिए चमक रहा है और चारों साइड से अच्छी ज़बरदस्त आइसिंग आ चुकी है और कूलिंग हमारा बहुत बेहतरीन करेगा। सो दोस्तों इस प्रकार से वाटर कूलर का रिपेयर किया जाता है। इसमें लगभग इसमें 300 ग्राम करीबन इसमें गैस चार्ज हुआ है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों, और आगे मैं बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आप लोगों के बीच में दोस्तों। सॉरी, मैं एक बार फिर से पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ और सब बातों को आपने समझाया, मैं अपने तरीके से अच्छे से बताया हूँ। हर चीज़ को बारीकी चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है कि यहीं से कहीं कोई पाइप आपस में तो नहीं टकरा रहा है, और एम्पियर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एम्पियर भी हमारा एकदम सही ले रहा है और रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये खाली है, इस कारण से आइसिंग आ रहा है दोस्तों। तो अब वीडियो को हम यहाँ से समाप्त करते हैं। अब इसको अब हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं कस्टमर को। धन्यवाद दोस्तों।